कल शाम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पश्चिम विधानसभा के सभी 20 वार्डों में कांग्रेसियों ने श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंगबली जी के सामने अपना शीश नवाया एवं पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर श्री हनुमान जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। साथ ही मंदिर के बाहर काफी संख्या में वार्डवासियों को एकत्र कर स्वयं विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई वितरण किया गया एवं बधाइयां दी गई। साथ ही आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। कर्नाटक प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक जनता की ऐतिहासिक जीत और हनुमान जी के आशीर्वाद से कर्नाटक में बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनी है। जिस प्रकार से वहां की जनता की कोहलिया के आम लोगों के हक और अधिकार की बात कांग्रेस पार्टी ने की, 5 गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। आज हनुमान जी ने एक बड़ा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, ऐतिहासिक रिजल्ट आया। हम सब आज हनुमान जी का धन्यवाद करने, पूजा अर्चना करने, आरती करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रसाद वितरण के साथ ऐतिहासिक आतिशबाजी हम लोगों ने की। सब माता बहने हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूरे शहर में पूरे देश में आज एक हर्ष और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। आज एक ऐसी जीत हुई है जहाँ जनता को कैसे मदद मिले, जनता के साथ कैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार खड़ी है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो मॉडल अपनाया गया उसको कर्नाटक में लगाया गया और उसी प्रकार से आज कर्नाटक की ऐतिहासिक हम सब इस जीत को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए हनुमान जी को धन्यवाद देने आए। हनुमान चालीसा का वितरण कर रहे हैं, पूजा अर्चना के साथ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सब